हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना दोस्त सतेंद्र चौधरी। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो लेक्चर में भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा हम सभी को पता है, अभी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले यूनिट पे डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने कंपोस्टिंग शुरू किया था। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंपोस्टिंग के रेट को कंट्रोल करते हैं, कंपोस्टिंग के रेट को अफेक्ट करते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला हमारा फैक्टर आएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कंपोस्टिंग के रेट को अफेक्ट करता है। तो इनिशियल स्टेज पे जब आपका कंपोस्ट शुरू होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का जो डिकम्पोजिशन है वो शुरू होता है, तो वहाँ पे मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा रहती है। मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके बैक्टीरिया फंगी दोनों आएंगे। मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो बेस्ट होती है, या ये कहिए उनकी जो ग्रोथ है वो बेस्ट होती है 25 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब क्या होता है, जो आपके मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिग्रेड कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हीट लिब्रेट होती है। क्यों लिब्रेट होती है, आप सभी को पता है कि वो रेस्पिरेशन करते हैं, जो आपका वेस्ट है उसको मेटाबोलाइज करते हैं। तो इस मेटाबोलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है, हीट निकलती है, और उस हीट की वजह से जो आपके कंपोस्ट का एरिया है उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा और वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, उस टाइम पे मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी रुक जाएगी, क्योंकि वो बेस्ट ग्रो करते हैं 25 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब यहाँ पे रोल शुरू होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, और ये आपका 45 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में बेस्ट ग्रो करते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है ये लगातार बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि आपके ऑर्गेनिक मटेरियल में सफिशियंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट हैं, एनर्जी सोर्सेज हैं जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के लिए सफिशियंट हैं। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में एक और चीज़ होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स तक रहता है, तो उसके अंदर जितने भी पैथोजन हैं, वीड सीड हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि जब आपका टेम्परेचर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 72 आवर्स तक रहता है, तो उसके अंदर जितने भी आपके पैथोजन हैं, वीड सीड हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। यही हम चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो कंपोस्ट बनेगा उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ना कोई पैथोजन है ना कोई वीड सीड है। तो ऐसा जो कंपोस्ट होगा डेफिनेटली उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। अब क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जब आपका जो कंपोस्ट है उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएगी, तो थर्मोफिलिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाई ऑफ हो जाएंगे, और जब थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो क्या होगा, आपके जो टेम्परेचर उसमें राइज हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर चुके हैं। अब जब वो नहीं रहेंगे, उनकी एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया, मीजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी, और ये एक्टिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक कि आपका एंड प्रोडक्ट नहीं बन जाता।
तो दोस्तों टेम्परेचर जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपोस्टिंग के रेट को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट फैक्टर आएगा पीएच। पीएच का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आपका कंपोस्टिंग होनी शुरू होती है, डिकम्पोजिशन शुरू होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड बन जाते हैं। इन ऑर्गेनिक एसिड की वजह से पीएच कम चली जाती है, ड्रॉप चली जाती है लगभग 5 तक। इस पीएच पे केवल जो आपके लो एसिडिक कंडीशन में रहने वाले फंगी हैं वही काम कर पाते हैं अच्छे से, बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक्टिविटी कम रहती है। अब धीरे धीरे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो पीएच फिर से थोड़ा राइज हो जाती है, और जब पीएच अबाउट न्यूट्रल पहुंच जाती है, 7 के राउंड पहुंच जाती है, तो सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर आएगा दोस्तों न्यूट्रिएंट लेवल। बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट सप्लाई, जैसा कि हमने टेम्परेचर में भी देखा कि उसमें भी न्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल है। तो न्यूट्रिएंट लेवल जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को डिटरमिन करता है। इसमें हमें कुछ आपके मेज़र न्यूट्रिएंट चाहिए, लाइक कार्बन चाहिए हमें एनर्जी के लिए, नाइट्रोजन चाहिए हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फॉस्फोरस और पोटेशियम चाहिए हमें सेल रिप्रोडक्शन के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए। ये हमारे मेज़र न्यूट्रिएंट हैं जो कि होने चाहिए कंपोस्टिंग के अच्छे रेट के लिए। इसके अलावा कैल्शियम, कोबाल्ट, आपका कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये भी अदर न्यूट्रिएंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, बट जो आपके मेज़र न्यूट्रिएंट हैं वो हमने भी डिस्कस किए, ऐसे ही आपने इनको याद कर लेना है। अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ देखनी है कंपोस्ट में, तो इसका बेस्ट जो एक पैरामीटर है वो है CN रेशो। तो जो बेस्ट CN रेशो है दोस्तों वो है आपकी 25 से लेके 35 पार्ट्स ऑफ अवेलेबल कार्बन टू अवेलेबल नाइट्रोजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना कि आइडियल रेशो कितनी होती है CN फॉर कंपोस्टिंग। इस पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। अब क्या हो अगर आपकी जो CN रेशो है वो ज़्यादा हो, तो हाई CN रेशो जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। जब माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि अब ज़्यादा टाइम लगेगा आपके कंपोस्ट बनने में। तो हाई CN रेशो का भी आपको लॉस है, इट शुड बी आइडियल 25 से लेके 35 के बीच में होनी चाहिए। अगर लो CN रेशो हो तो वो क्या करेगी, ये डिकम्पोजिशन के रेट को बढ़ा देगी, और जब डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाएगा तो उससे क्या है कि आपका जो नाइट्रोजन है उसका लॉस हो सकता है एज अमोनिया, और आपका जब माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ गई, डिकम्पोजिशन रेट बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी और आपका जो कंपोस्ट है उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए लो CN रेशो भी आपकी नहीं होनी चाहिए। हाई CN रेशो में क्या हो रहा है, आपका डिकम्पोजिशन रेट जो है वो कम हो रहा है, लो में क्या हो रहा है, CN अगर लो CN रेशो है तो डिकम्पोजिशन रेट बढ़ रहा है। उसके 2-3 नुकसान हैं, पहले तो नाइट्रोजन जो है वो उसका लॉस होगा अमोनिया के थ्रू, फिर रैपिड डिकम्पोजिशन यानी कि हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन, हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, आपके एनारोबिक कंडीशन बनेगी और उसमें से आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो वेस्ट हैं उनको मिक्स करके एक आइडल CN रेशो बना सकते हैं।
जैसे आपके लिए आपके पेपर हो गए, इनकी जो सीएन रेशो है वो ज़्यादा होती है, ग्रास क्रीपिंग, सीवेज स्लज, इनकी सीएन रेशो कम होती है, तो हम इनको मिला के एक आइटल सीएन रेशो बना सकते हैं, जिससे कि आपका जो डिकम्पोजिशन रेट है वो ऑप्टिमम रहे, स्मेल की प्रॉब्लम ना आए। लास्ट और इम्पोर्टेंट आपका मेजर फैक्टर है ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन एरोबिक प्रोसेस है तो ऑक्सीजन मस्ट है, बट क्या होगा अगर आपका जो डिकम्पोजिशन रेट ज़्यादा होगा, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वेस्ट को डिग्रेड करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, ऑक्सीजन रिमूव होने की वजह से एनारोबिक कंडीशन बनेगी, एनारोबिक कंडीशन की वजह से स्मेल आएगी। अभी भी हमने सीएन रेशियो में भी ये चीज़ डिस्कस की है, तो हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को मेंटेन रखना है। इसके लिए हम उसको किसी भी एपरेटस की हेल्प से घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, उसमें एरेशन सिस्टम लगाते हैं जिससे कि एयर की सप्लाई रहे, कैसे भी हमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट है उसको ऑप्टिमम रखना है, जिससे कि आपका जो कंपोस्ट है उसका रेट अच्छा रहे, उसमें से कोई स्मेल ना आए। दोस्तों ये मेजर फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं। सीएन रेशो का एक पूरा टेबल दिया हुआ है गिलबर्ट मास्टर में, उस पर आपको एक बार नज़र मार लेनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैंने दिया है कि हाई सीएन रेशो किसका होता है, लो सीएन रेशो किसका होता है, आइडल सीएन रेशो क्या है, बट फिर भी अगर उसे आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंपोस्टिंग को एक बार उसे रीड आउट करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इनको नोट डाउन करके क्रैम कर लो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं। आज का मेरा आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, आज आपने बताना है कि 22 मई को हम कौन सा एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 22 को हम कौन सा एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताइए। दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।